और ये रोड पर से चल रहा हूँ। ये रोड के बीच में लाइट लगाया गया है, रोड पे काफ़ी उजाला है और बीच में। तो दोस्तों आप बताइए ये क्या चीज़ है, हमको नहीं पता है, नहीं तो हम बताते, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा क्या चीज़ है ये। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये वही सरयू नदी है जहाँ श्री राम जी जल समाधि लिए थे। राम दोस्तों शिवा अयोध्या आने वालों में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम ले चले हैं जहाँ पर श्री राम जल समाधि लिए थे, तो आज आपको गुप्ता घाट ले चलते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट एरिया बना दिया गया है, तो चलते हैं आपको लेकर। मंदिर की बाउंड्री है, दोस्तों आप देखिए कंपनी गार्डन पहुंच चुका हूं, बस पहुंचने वाला हूं गुप्तार घाट। तो यहां पर आप देख सकते हैं टहलने घूमने आए कुछ लोग ग्राउंड में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। पहले कंपनी गार्डन मिलेगा फिर गुप्तार घाट, तो कंपनी गार्डन होते हुए गुप्तार घाट की तरफ चल रहे हैं। काफी बड़ा गार्डन है, इस साइड भी आप देख सकते हैं। आए थे कभी सुबह आएंगे तो आपको दिखाएंगे जरूर कंपनी गार्डन पूरा। जैसा कि दोस्तों गुप्ता घाट पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं गार्डन गुप्ता घाट का, और ये रोड पर से चल रहा हूँ। ये रोड के बीच में लाइट लगाया गया है, रोड पे काफ़ी उजाला है और बीच में पौधा लगाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसे ही रोड बनाया गया है, काफ़ी बदल गया, आए थे तो ऐसा नहीं था। तो दोस्तों आप बताइए ये क्या चीज़ है, हमको नहीं पता है, नहीं तो हम बताते, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा क्या चीज़ है ये। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेन गेट है, मेन गेट से अंदर हलेंगे तो टिकट लगेगा, तो ले चलकर आपको दिखाते हैं कितने का टिकट है। गुप्ता घाट पहुंच चुके हैं, जैसा देख सकते हैं ये गुप्ता घाट का गार्डन है। अभी गार्डन में जाने के लिए टिकट लगता है, तो चलते हैं टिकट लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये 10 रुपये का एक टिकट है, तो चलते हैं अंदर में लेकर। ये इसको फाड़ दिया, अभी ये ख़राब हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर में आ चुके हैं, ये यहाँ पे कई प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस साइड आप देखिए ये लाइट लगाया गया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में पेड़ के। और इस साइड ये इधर पानी दिया जा रहा है पौधों को, ताकि अच्छी खासी हरियाली बनी रहे। तो चलते हैं उस साइड। पूरे अयोध्या में ऐसे ही बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, जैसा कि जैसे चिड़ियाघर बन रहा है, हमारे YouTube पे जाकर देख लेना, उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड करे हैं, तो देख लेना। और ये गार्डन आपको दिखाई दे रहे हैं गुप्ता घाट का,
यहाँ पे पेड़ के बीच बीच में लाइट लगाया गया है, काफी अच्छा लगता है देखने में, जैसा कि आप देख ही सकते हैं वीडियो में। यहाँ का डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा लगता है देखने में, और आसपास के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। सबको दिखाने के लिए हम भी आ जाते हैं घूमने टहलने। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। कुछ लोग फोटो भी खिंचाने आए हैं, तो ऐसे गोल गोल बनाया गया है बैठने के लिए। ये दोस्तों फोकस लाइट लगी है पेड़ पे, फोकस मान लीजिए, काफी अच्छा देखने में लगा है। ऐसे सारे पेड़ के नीचे लगा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं उधर झूला लगा है, तो चलकर आपको दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे झूल रहे हैं, तो चलते हैं आपको लेकर। यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है देखने में। जैसा कि दोस्तों हम बोले हैं, सब पीछे मुड़ मुड़ कर लख रहे हैं, तो तब भी प्रयास करते हैं बोलने का, तो आपको जितना बोल कर बता पाता हूँ बोलता हूँ, नहीं तो आपको दिखा देता हूँ, जितना हमको पता रहता है आपको दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जिम करने वाला झूला लगा है, अभी हम चलकर आपको दिखाएंगे। ये इस साइड आप देख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए ये झूला लगाया गया है। दोस्तों आप इस साइड देख सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए लगाया गया है ये झूला, तो कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस साइड भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इधर झूल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप भी कभी आइएगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग का एक तरफ कसरत करने वाला बनाया गया है, एक तरफ छोटे बच्चों को झूलने के लिए बनाया गया है, और आप देखेंगे तो जगह जगह पे गार्डन में डस्टबिन रखा गया है, मतलब यहाँ पे कुछ कचरा ना हो, और बस इतना ही है, आपको पूरा दिखा दिए। हम ना बनाए चालू ना करें तो बोल दे तुरंत। तो दोस्तों यहाँ पर लिट्टी चोखा मंगा लिए हैं, अब अभी आएगा तो खाएंगे, तो लेकर आ रहे हैं। अरे ये इधर ही लेके आओ, इधर छोटू। ये आ गया हमारा लिट्टी चोखा, अब खाएंगे। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं गुप्ता घाट, जहाँ पे श्री राम जी जल समाधि लिए थे, तो इस टाइम उतना अच्छा नहीं दिखाएगा, पर आपको ले चलकर थोड़ा सा दिखा देते हैं। बस हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कभी दिन में आकर दिखाएंगे। तो चलते हैं, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। आप जैसा कि दोस्तों गुप्ता घाट पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहीं पे श्री राम जी ने जल समाधि लिए थे। अंदर में आप देखिए राम लक्ष्मण और सीता माता का मूर्ति बना है, तो आपको दिखा देते हैं।
ये मंदिर देख लीजिए, काफी बड़ा मंदिर बनाया गया है। अब आपको नदी की तरफ दिखा देते हैं। ये वही सरयू नदी है जहाँ श्री राम जी जल समाधि लिए थे। अच्छा लग रहा है, यहाँ पर नाव भी रखा गया है। तो आप कभी सुबह आइए घूमने, तो काफ़ी अच्छा लगता है सुबह के टाइम में। आपको कभी आएंगे तो दिखाएंगे ज़रूर। आपको पूरा दिखा दिए, तो आप चलते हैं घर, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।